हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास थर्ड मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक सेंटीमीटर्स और मीटर्स, ट्रिप टू आगरा एंड मैच द करेक्ट लेंथ। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास थर्ड मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि 10 मिलीमीटर को अगर हम जोड़ते हैं एक साथ तो हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब 10 मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद सेंटीमीटर का मेजरमेंट आता है। और फिर अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर हम 100 सेंटीमीटर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास 1 मीटर आ जाता है। मीटर का शॉर्ट फॉर्म हम छोटे m लिख के डिनोट करते हैं। कई बार हम कई चीज़ों को हमारे छोटे रूलर से मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस टाइप के बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों की हाइट, एक डोर की लंबाई, फ्रिज की लंबाई, वॉशिंग मशीन का लेंथ, ये सब चीज़ें हम मीटर में मेजर करते हैं। तो इसी फोटो से आप याद रख पाएंगे, मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद सेंटीमीटर आता है और उसके बाद मीटर आता है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन मीटर से भी बड़ा यूनिट होता है। आपके घर से लेके आपके स्कूल तक अगर मैं एक लंबी लाइन खींचूं तो उस लाइन को ना तो मैं रूलर से मेजर कर पाऊंगी और ना ही मैं मीटर स्केल से मेजर कर पाऊंगी। तब हम मीटर से भी बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, जिसका नाम है किलोमीटर और इसका शॉर्ट फॉर्म है KM। अगर हम 1000 मीटर को जोड़ देंगे, 1000 मतलब 1 followed by 3 zeros, 1000 मीटर को हम एक साथ जोड़ेंगे तब हमारे पास 1 किलोमीटर आता है। इस चीज़ के ऊपर हम अपने आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले क्लासेस में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट अस गो बैक टू आवर टेक्स्ट बुक और अभी हमें ये बताना है कि विच ऑफ दीज थिंग्स विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी मेजर्ड इन मीटर्स। तो जो चीज़ें हम अपने रूलर से ही मेजर कर पाएंगे, मान लीजिए उन्हीं चीज़ों को हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, ऐसा हम लिखेंगे, और जो चीज़ें उससे भी बड़ी होंगी तो उन चीज़ों को हम मीटर में मेजर करेंगे। फर्स्ट इज विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन का जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये साइड वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये लेंथ होता है, लंबाई। स्क्रीन के विड्थ को अगर हमें मेजर करना है तो हम इसके ऊपर स्केल रख देंगे तो ही मेजर कर पाएंगे, है ना, हमारा 30 सेंटीमीटर वाला लंबा स्केल रख देंगे। तो हम विड्थ ऑफ द स्क्रीन को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। दूसरा है लेंथ ऑफ अ पगड़ी वोन बाय सिख। सिख लोग अपने सिर पे जो पगड़ी बांधते हैं, एक लंबे पीस ऑफ क्लॉथ से वो पगड़ी बनाते हैं, तो इतनी लंबी चीज़ को हम किसे मेजर करेंगे, हम मीटर में मेजर करेंगे। थर्ड इज हाइट ऑफ अ 1 year old चाइल्ड। एक साल के बच्चे की हाइट अगर हमें मापना है तो हम वो मीटर में मापेंगे, क्योंकि बच्चों का हाइट यूजुअली मीटर के आसपास का ही होता है। लेंथ ऑफ अ बनाना, बनाना तो बहुत छोटा होता है, इसे हम अपने स्केल से, रूलर से ही मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर हम लिखेंगे। उसके बाद वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, वेस्ट मतलब कमर, एक एलिफेंट की कमर अगर हमें एक थ्रेड से, स्ट्रिंग से मापनी है, क्योंकि वो गोल चीज़ है, तो उसको हम कैसे मापेंगे, ये तो थ्रेड को मापने के बाद थ्रेड का मेजरमेंट हम रूलर से भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वेस्ट होता है उसका, तो हम मीटर में मेजर करेंगे। उसके बाद है हाइट ऑफ शुगर केन, शुगर केन मतलब ई से ईक, ईक तो लंबी लंबी ईक होती है, तो इसे हम हाइट की तरह ही मीटर में मेजर करेंगे। उसके बाद है डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल मतलब कुआं, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, कुआं बहुत नीचे तक जाता है, तो डेप्थ अगर हमें गहराई मापनी है तो हम स्केल से तो नहीं माप सकते, हम मीटर में उसे मापेंगे। उसके बाद है हाइट ऑफ योर मदर, मम्मी की हाइट भी हम मीटर में मेजर करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम योर क्लासरूम टू स्कूल गेट, अगर डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू होम पूछते तो हम किलोमीटर लिखते, लेकिन क्लासरूम से स्कूल गेट
बस थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन जिसे हम स्केल से भी मेजर नहीं कर सकते तो हम मीटर में ही इस चीज़ को मेजर करेंगे। लास्ट वाला है लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, आपके पापा की बाहें। तो अगर हम हमारे 30 सेंटीमीटर वाले लंबे रूलर का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने पापा के हाथों को मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट ट्रिप टू आगरा। क्या आपने आगरा में सुंदर से ताजमहल को देखा है? स्टेट उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैरी और बाईचुंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अब किसी भी जगह पे जाने के लिए हम ट्रेन, बस, एरोप्लेन के सहारे जाते हैं, तो ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरती है और उसके बाद वहाँ से ये लोग एक रिक्शा लेके ताजमहल देखने जाते हैं। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद वो आगरा फोर्ट पे पहुँचते हैं, अगेन इन अ रिक्शा। नाउ इन द आफ्टरनून दे टुक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे आपके पास आगरे का मैप दिया हुआ है। मैप के सहारे हम बहुत बड़े से पोर्शन को, बहुत बड़ी सी जगह को एक छोटे एरिया के अंदर ही देख सकते हैं कि हम रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद वहाँ से किस डायरेक्शन में जाके हमें कौन सी चीज़ मिलेगी। तो इन दोनों बच्चों की फैमिली आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में उतर के सबसे पहले वो ताजमहल में गए, फतेहपुर सीकरी गए और आगरा फोर्ट में गए। इसके अलावा मैप में हमें बाबरपुर फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ताज फॉरेस्ट और यमुना नदी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। मैप में ये जो डॉटेड लाइन है ये रेलवे ट्रैक है जहाँ पे ट्रेन चलती है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। नाउ लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, क्योंकि जब हम रास्ते पे चलते हैं ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा लंबा लेंथ होता है जिसे हम ना तो रूलर के साथ सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ना ही मीटर रॉड के साथ मीटर में मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम KM किलोमीटर का मेजरमेंट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से अगर हमें ताजमहल जाना है तो हमें 5 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा। That means the distance from railway station to Taj Mahal is 5 kilometer. Second statement, Taj Mahal से अगर हमें आगरा फोर्ट जाना है तो हमें 2 kilometer जाना पड़ेगा। So let us write, Taj Mahal से आगरा फोर्ट अगर हमें जाना है तो हम 2 kilometer चलेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट है, आगरा फोर्ट से अगर हमें फतेहपुर सीकरी जाना है तो हमें 4040 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी सबसे दूर है, तो आगरा फोर्ट से अगर फतेहपुर सीकरी जाना है हमें 4040 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। फार्दर मतलब सबसे दूर कौन सी जगह है, रेलवे स्टेशन से ताजमहल ज्यादा दूर है या फिर फतेहपुर सीकरी ज्यादा दूर है। अब मैप में भले ही हमें फतेहपुर सीकरी अपने रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत दूर है, 40 किलोमीटर दूर है आगरा फोर्ट से। तो रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर्स की दूर पे ही ताजमहल है। भले ही रेलवे स्टेशन से फतेहपुर जाने का डिस्टेंस, दूरी हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इस चीज़ को देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर आगरा फोर्ट से इतना दूर लगता है फतेहपुर सीकरी जाने में, तो फिर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ आने में बहुत दूर लगेगा। सो आवर आंसर इज फतेहपुर सीकरी इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। उसके बाद वाला क्वेश्चन, ये वाला जो हमें लाइन दिख रहा है, दिस शोज द रेलवे लाइन, विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन के ज्यादा नजदीक कौन है, बाबरपुर फॉरेस्ट ज्यादा नजदीक है या फिर ताज फॉरेस्ट ज़्यादा नज़दीक है? तो ये चीज़ हमें मैप में देख के पता चल रहा है, ये जो रेलवे लाइन जा रही है यहाँ से ये बाबरपुर फॉरेस्ट ज़्यादा नज़दीक है। सो आवर आंसर इज बाबरपुर फॉरेस्ट इज नियरर टू द रेलवे लाइन। उसके बाद है, आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के ज़्यादा नज़दीक है या फिर ताजमहल? तो हमारा रेलवे लाइन कुछ इस तरीके से मुड़ गया है, तो इस वजह से ये आगरा फोर्ट के ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया है। सो आवर आंसर इज आगरा फोर्ट इज नियरर टू द रेलवे लाइन। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना। यमुना रिवर के नज़दीक कौन सा है, ताजमहल ज़्यादा नज़दीक है या फिर रेलवे स्टेशन? तो देखिए यहाँ पे है यमुना नदी, यमुना नदी के ठीक साइड में ताजमहल है। सो आवर आंसर इज ताजमहल इज क्लोजर टू रिवर यमुना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैच द करेक्ट लेंथ।
Here you have to draw lines to match each picture with how long it can be. आपको एक guess work लगाना है. तो जैसे हमारे left side column में एक earthworm है, एक छोटा सा बच्चा है, एक finger की nail है, एक मम्मी की साड़ी है और last में आपके घर से आपके school तक जाने का distance है. और right side के column में सिर्फ एक kilometer है. Meter में सिर्फ एक meter यहाँ पे और नीचे एक meter यहाँ पे है और 2 centimeter बना हुआ है. तो सबसे पहले हम अपने घर से स्कूल तक जाने का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हम रूलर से और मीटर स्केल से नहीं मेजर करते, इसे हम हमेशा किलोमीटर में मेजर करते हैं. तो हमारे लिस्ट में यहाँ पे किलोमीटर दिया है, हम उसके साथ मैच करेंगे. अब देखिए उसके बाद मम्मी जो साड़ी पहनती है ये भी बहुत लंबी होती है. ये चीज़ तो सब जानते हैं कि साड़ी का जो लेंथ होता है वो 5 to 6 meters लंबा होता है, जिसे हम दुकान में अगर मेजर करेंगे तो मीटर रॉड से ही मेजर करेंगे. तो हम 5 meter के साथ मम्मी के इस साड़ी को मैच करेंगे. अब देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास एक अर्थवर्म बच रहा है, एक बच्चा और एक नेल बच रहा है और राइट साइड में हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 1 meter बच रहा है. तो हमने हमारे पार्ट 2 के एक्टिविटी में ही देखा था एक छोटे बच्चे की हाइट, आपके क्लास के बच्चों की हाइट अगर हम मेजर करेंगे तो आपने जो 1 meter लंबा स्ट्रिप ऑफ पेपर बनाया था उससे मेजर कर सकते हैं, है ना. तो बच्चे की हाइट हमेशा 1 meter के बराबर जितनी या फिर उससे थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है. विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल, उंगली का नाखून ज्यादा से ज्यादा 1 centimeter तक ही लंबा हो सकता है, उससे ज्यादा हम तो होने ही नहीं देते, हम कट कर देते हैं. और बाकी ये जो 10 centimeter बच रहा है, 10 centimeter लंबा एक अर्थवर्म एक केंचुआ हो सकता है, तो इसीलिए अर्थवर्म का मैच हम 10 सेंटीमीटर के साथ करेंगे. एंड द लास्ट इज लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन. द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन. द एनिमल हु हैड वोन द लॉन्गेस्ट टेल प्राइज, क्या आप सोच सकते हैं वो कौन है? हु डू यू थिंक वोन द फर्स्ट प्राइज? जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल. एलिफेंट की पूंछ एकदम छोटी सी है, पिग की पूंछ भी एकदम छोटी सी है, लेकिन मंकी की पूंछ बहुत लंबी है. तो आई थिंक मंकी को फर्स्ट प्राइज मिला होगा. एंड कैन यू गेस हु हैड वोन द सेकेंड प्राइज? मुझे लगता है काऊ को सेकेंड प्राइज मिल गया होगा. और लास्ट में स्नेक पूछ रहा है डू आई हैव अ टेल? नहीं, स्नेक की पूंछ नहीं होती, स्नेक का ये बॉडी ही होता है जो इतना लंबा होता है. सो दैट वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये पूरा चैप्टर पढ़ने में. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट रह गया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़.